Quanto costa? Non può fare il video qua. No, no, voglio che. No, non può. तो अभी जिसकी दुकान से होके आया सही पता नहीं कैसा आदमी था, वीडियो बनाने नहीं देता। मैं पूछने गया और उसने कहा वीडियो बंद, अंदर ऐसा ना देख के कहता है वीडियो बंद कर। मैंने कहा मैंने कहा क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सईद अली, उस लोग ठीक होंगे। तो आज हम आए हुए हैं ओपन मार्केट और यहाँ भी आगे जाके ना शॉपिंग करेंगे थोड़ी। और आज हम पहले आ गए हैं 11:30 होंगे। तो हम पहले आ गए क्योंकि हम हमेशा जब मैं स्कूल जाते तो 12 बजे आते थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ फुल धुंधली हुई है। जब वहाँ कजराते से आ रहे थे यहाँ तक तो सारी धुंध 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 सारा कुछ आगे मुझे नज़र आ रहा था, थोड़ा बहुत नज़र आ रहा था लेकिन ज़्यादा नहीं आ रहा था। तो अभी फिलहाल आगे चलते हैं और आपको साथ साथ दिखाते हैं। और शायद अभी इतने टाइम से नहीं आए तो और भी हो सकता नई शॉप्स खुली हो, तो अभी फिलहाल चलते हैं। तो हायर साइड से वहाँ मार्केट शुरू होती है, हम दूसरी साइड से आ जाएंगे। यहाँ से मार्केट शुरू हो रही है, देख सकते हैं कपड़े, यहाँ सारे कपड़े लगे हुए हैं, रजाइयाँ भी हैं, बहुत कुछ है। तो अभी साथ साथ आगे जाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो अभी हमने थोड़ा सामान लिया, अभी बिल दिखाएंगे, उन्हें शॉपिंग में तो डाल दिए, पैसे देते हैं। और ये फिर हमने ट्रैवल के लिए ले गए हैं, तो हम जा रहे हैं तो उसके लिए लिए हैं। दो कंबल लिए हमने, तो क्योंकि जहाज़ में बहुत ज़्यादा ठंड भी होती है, सर्दियाँ चल रही हैं, तो हम जहाज़ में लेने के लिए कर लेंगे। क्योंकि पिछली बार मैं गया था पाकिस्तान तो इतनी कोई ठंड थी, इतनी कोई ठंड थी, मैं जाम रहा था। शुक्र है हमारे पास एक तो थी। चलो ले लिया अभी हमने, अभी आगे चलेंगे और भी चीज़ें लेते हैं और आपको साथ साथ दिखाते हैं। ऐसे लग रहा है मैंने पता नहीं क्या अंदर भरा हुआ, बस उसमें दो अलग अलग ऐसे रखे होंगे, ऐसे लग रहा है ज़्यादा सामान है। ये लिया अभी, पता नहीं घर में लगाने के लिए लिया। प्यारे भी हैं, इस तरह के गोल्डन भी थे लेकिन वो इतने प्यारे नहीं थे। तो ये हमने लिए हैं और ये इतने लंबे हैं, तो ये घर में लगाएंगे ऐसे। हमारा पूरा घर में ग्रे ग्रे है ना, ग्रे हर एक जगह पे ग्रे किए क्योंकि ग्रे में बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। तो हमने ये भी तकरीबन ये ग्रे ही है। तो अभी आगे चलते हैं और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं और वो जाके देखते हैं। तो अभी हम आगे जा रहे हैं, वहाँ वो जो पैकेट्स होते हैं वो देखने जा रहे हैं। मेरा दिल कर रहा है क्योंकि उनके अंदर ना कार्ड्स होते हैं, तो वो मेरे लिए लेके चल रहा है क्योंकि मेरे पास आगे ही बहुत है। मुझे लग रहा है एक और शायद कार्ड मिल सकते हैं लेकिन देखते हैं उनके पास अभी बेचे हैं। तो इतना बैड लग के हर दफ़ा आता हूँ, हमेशा ख़त्म हो जाते हैं। और लगता है और भी सुबह सुबह आना पड़ेगा, 7-8 बजे आना पड़ेगा क्योंकि ऐसे तो कभी नहीं मिलेंगे। आज हम 11:30 आए तो सारे ख़त्म हो जाते हैं, नहीं तो हमेशा हम 2-3 लेते हैं, उनमें से बड़ी चीज़ भी। तो अभी एक चीज़ खरीदने वो जो आपकी कॉपी करती है ना बोले वो दिखाता हूँ। ये अब इसकी कीमत पूछता हूँ कितनी, अगर ज़्यादा मैंने नहीं खरीदना, इतना महंगा खरीद के भी क्या करूँगा। अभी पूछते हैं इससे, एक्सक्यूज मी कौन सा कॉस्ट ना। तो अभी जिसकी दुकान से होके आया सही पता नहीं कैसा आदमी था, वीडियो बनाने नहीं देता। मैं पूछने गया और उसने कहा वीडियो बंद, अंदर ऐसा ना देख के कहता है वीडियो बंद कर। मैंने कहा क्या हुआ। मैंने कहा अभी बताओ कितने का, नहीं डिलीट कर, डिलीट की उसको ये अभी नहीं पता डिलीट होगी है, फिर अंदर देखना डिलीट होगी है। फिर भी उसने मुझे कीमत ही नहीं बताई, कहता कोई मुझे जवाब भी नहीं दिया। फिर मैं वहाँ से चला गया, मैंने भी कहा मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं कोई और से खरीद लूँगा।
तो सही कोई ना अजीब आदमी था, वीडियो भी नहीं बनाने देता, पता नहीं क्या था, इंस्टाग्राम पे वीडियो आती है, पता नहीं क्या कहा उसने, कहा मैंने तो इग्नोर ही किया, मैं ऐसे ऐसे कह रहा था जैसे मैं सारा कुछ सुन रहा हूँ, लेकिन मैं एक कान से अंदर लेता था, एक से बाहर निकालता था। तो अभी फिलहाल उस दुकान पर मैंने कभी नहीं जाना, अब कोई और जाएगा तो जाएगा, नहीं मैं नहीं जा रहा, क्योंकि ऐसे ऐसे बंदे के पास जाऊँगा, क्योंकि इन उनको ना याद भी आता है, फिर मैंने इसके पास जाना नहीं है, कोई अजीब ना सटाया हुआ बंदा था। तो मैं आज के इसकी इसकी दुकान पे नहीं जाऊँगा, किसी और दुकान पे चले जाएंगे, तो वहाँ वो हर दुकान पे बनाने देते हैं। तो अभी फ़िलहाल कोई और अभी यहाँ कर रहे हैं शॉपिंग, थोड़ी देर में घर चलेंगे और आपको अपनी शॉपिंग दिखाएंगे। इसने मुझे इसलिए नहीं वीडियो बनाने दी क्योंकि ना ये लोग बगैर स्कंतिनों के सामान भेजते हैं, स्कंतिनों मतलब रसीद होती है जिस पर सारा कुछ लिखा होता है, तो अगर ये ना दें तो पुलिस को ये बात सिर्फ पता भी लगे ना, वो आके इनको जुर्माना दे सकती है, क्योंकि हर बात में चिट जरूरी होती है। लवप्रीत आया हुआ था, एकदम बड़ी वीडियो शुरू करना है, मैंने कहा लवप्रीत, तो कैमरा मैन भी ऐसे पीछे होकर देखा, सच्ची है जो वो अभी गुजर है वो जा रहे हैं आगे, तो अभी हम भी आगे जाने लगे हैं, तो आगे जाकर ना वो परिंदू वाली शॉप आती है, वहाँ से भी अगर कुछ पसंद आया किसी तरह बना दूंगा पापा को, तो उन्हें कहूँगा ले लेते हैं, पापा के पैसे भी होते हैं, उन्हें कहूँगा पापा थोड़े पैसे दो ना खरीदने, तो किसी भी तरह से मैं बना दूंगा अगर कोई मेरे पसंद आई चीज़, तो इतनी चीज़ें तो है लेकिन थोड़ा ऐड कर लेंगे, तो तब मैं आपको सरप्राइज, अगर कुछ लिया तो मैं सरप्राइज़ रखूँगा। तो अभी फिलहाल चलते हैं और आपको दिखाते हैं। मुझे ठंड लग रही है, गलती की है, हरी फलते में आ गए, मुझे लगा दो मिनट का काम होगा होके भी आ जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल चलते हैं जल्दी जल्दी यहाँ से निकलते हैं, आगे ना वनी वाली शॉप भी है तो वहाँ भी कुछ देख लेंगे पसंद आया तो, नहीं तो गाड़ी में एकदम बैठ जाएंगे, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो अभी ये कंबल ही है और ये भी है जब दिखाया था, अभी फिलहाल हम घर जा रहे हैं और घर जाके आपको सारा कुछ दिखाएंगे, अभी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है क्योंकि सारे रास्ते ना हाथ बाहर रख के बैग पर महसूस नहीं हो रहा कुछ, तब इसलिए घर चलते हैं और घर जाके आपको मिलते हैं, और घर का भी थोड़ा सामान लिया है, बहुत पीछे पड़ा हुआ है, तो वो घर जाके आपको दिखाऊंगा, तो फिलहाल अभी घर चलते हैं। तो अभी मैं और लवप्रीत पिज़्ज़ा ले आए, अभी हम दोनों मिलकर खाएंगे और फिर कल ब्लॉग शूट करेंगे, तो इस ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको आज का पसंद आएगा, पसंद तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं आपको मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Tiene perfectas gracias a sus raíces. ¿Sabe?